हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद सफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जनता की आवाज आप तक लगातार बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामपुर विधानसभा में और इस्लामपुर टाउन में इस वक्त मौजूद हूं। वेस्ट बंगाल का ये इस्लामपुर विधानसभा है और हमारे बीच में कांग्रेस समर्पित संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार, कद्दावर उम्मीदवार है सादिकुल इस्लाम साहब, हमारे बीच है, इनसे बात करना चाहेंगे। सादिकुल इस्लाम साहब, आप बहुत बहुत धन्यवाद जनता की आवाज आप तक में। और सबसे पहले तो ये आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी पार्टी अगर जीतती है तो आप इस्लामपुर विधानसभा के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल का आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतने दूर से यहाँ आए। मैं इस्लामपुर विधानसभा के लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं मैनिफेस्टो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और मैं जीतने के बाद जो काम करूँगा उसमें प्रायोरिटी और बड़े इश्यूज़ पे जो मेरा काम होगा उसमें इस्लामपुर में महिला कॉलेज की सख्त ज़रूरत है। यहाँ की लड़कियाँ जो है बाहर जाती हैं और तरह तरह की मुसीबतों से वो दो चार होती हैं, इसलिए यहाँ एक इस्लामपुर में एक महिला कॉलेज का होना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं जीत करके एक महिला कॉलेज इस्टेब्लिश कराने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरा जो बड़ा काम है, ये एक हमारे यहाँ एक ब्रिज का मुद्दा है, वो मसला जो है बहुत दिनों से वो हल नहीं हो सका। हमारे यहाँ के अभी जो विधायक हैं या थे TMC के और प्रार्थी हैं अभी, तो 50 सालों से वो MLA रह करके उस ब्रिज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सका उन्होंने। मैं अगर जीतता हूँ तो सबसे पहले वो डांगापड़ा की ब्रिज जो माटीगुंडा 2 जिसको इस्लामपुर कनेक्ट करता है चंद मिनटों में 2-3 किलोमीटर में, और वहाँ के 50 गांव के हज़ारों लोग 30 किलो 20 किलो डिस्टेंस घूम करके इस्लामपुर कनेक्ट होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा समस्या हमारे इलाके के लोगों के लिए। माटीगुंडा 1, माटीगुंडा 2, इवन आदिम जी के जो भुजांगा उस तरह के एरिया के लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है, तो वो ब्रिज को करना बहुत ही ज़रूरी है, वो ब्रिज मैं करूँगा। उसके बाद इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए मैं एक पूरी अभियान चलाऊँगा, और इस्लामपुर का जो गोल्डन जुबली होता है ना, ये जो इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी का जो 50 साल पूरा हो रहा है, जीतने के बाद ये गोल्डन जुबली मनाऊँगा मैं, और इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट करने के लिए पूरी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे इस्लामपुर में कम से कम 4 ऐसी जगह पर जो फ्लाइंग लोग आते हैं, कस्टमर्स शॉपिंग के लिए ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनके लिए इस्लामपुर शहर में टॉयलेट बाथरूम का कोई बंदोबस्त नहीं है, ना तीन पुल में है, ना पुराना मोटर स्टैंड में है, ना इस्माइल चौक में है, कहीं नहीं है, एक बस स्टैंड में है, तो उसमें अगर आप जाके निकलेंगे तो 6 महीना तक बीमार पड़ जाएंगे, ये स्थिति है टॉयलेट बाथरूम की। तो 4 जगह इस्लामपुर में टॉयलेट बाथरूम का इस्टेब्लिश करवाऊँगा, जो बाहर से लोग औरतें आती हैं अगर उनको टॉयलेट बाथरूम की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ जाएगी, इतने बड़े शहर में इतने बड़े लीडर हैं, इन्होंने नहीं किया, तो उसको मैं करूँगा। उसके अलावा मैं जो चौक सब है ना जिसमें 100-200 दुकान होता है, 8-10-20 गांव के लोग वहाँ आके सौदा करते हैं, वो खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, डिमटी है, पटागोरा है, माटीगुंडा है, गुलापारा है, जीरो पानी है, आपका गुंजोरिया है, धनतोला है, आपका किशन रामगंज है, श्री कृष्णपुर है, इस तरह के चौक सब में भी 2-2 टॉयलेट बाथरूम का बंदोबस्त करूँगा। और मैं हर पंचायत में इलाज मरीजों को हॉस्पिटल लाने के लिए, मेडिकल सिलगुड़ी ले जाने के लिए हर पंचायत में मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करूंगा, या तो हर पंचायत में अलग अलग एम्बुलेंस होगा या फिर 2 पंचायत मिलकर के एक एम्बुलेंस दूंगा मैं अपने जीतने के बाद, ये मैं काम करूंगा जो बड़े मुद्दे हैं। उसके अलावा इस्लामपुर में जो खाली ज़मीन है PWD और क्या सरकारी ज़मीनें हैं, वेस्ट लैंड है, उन ज़मीनों को खाली करा करके मैं वहाँ या तो मार्केट बनाऊँगा या इंडोर स्टेडियम बनाऊँगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा लीडर का जो काम होता है वो सारे विज़न, वो सारे प्लानिंग में मैं काम करूँगा, और पूरे विधानसभा में कहीं भी कोई रास्ता टूटा फूटा होगा तो मैं गड्ढा मुक्त विधानसभा बनाऊंगा, यानी मेरे 5 साल पूरा होने के बाद अगर कहीं गड्ढा एक भी किसी रास्ते में कोई गड्ढा रहेगा तो कोई भी आम आदमी आके मुझे बोल सकता है कि सादिक भाई आपने तो ये वादा किया था लेकिन हमारे गांव का ये रास्ता है उसमें अभी भी गड्ढा है। मैं किसी भी रास्ते में गड्ढा होने नहीं दूंगा, बरसात में जो रास्ते में पानी जमता है वो नहीं होने दूंगा, ये सारी चीज़ मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा। उसके बाद मैं
जो कचरा जो शहर में और ये चौक सब में कचरा का ढेर हो जाता है, उन कचरा को साफ करने के लिए डस्टबिन रखवाऊंगा हर जगह, और एक गाड़ी स्पेशल उस कचरा को एक जगह से दूसरी जगह वो करने के लिए, फेंकने के लिए मैं एक गाड़ी का भी बंदोबस्त करूंगा जो ये कचरे को और डस्ट को उठा करके दूसरी जगह लाएगा, ताकि एक अच्छे एनवायरमेंट में हमारे यहाँ के लोग सांस ले सके। सर आपके यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट भी है, टीएमसी भी कैंडिडेट है, और मौजूदा अभी के विधायक जो है वो कद्दावर नेता रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी जो लड़ाई जो है वो टीएमसी से होगी या बीजेपी से? देखिए ये दोनों की कहीं भी लड़ाई में है नहीं, सीधी सी जो हकीकत बात है, ऐसा नहीं उनके समर्थक गुस्सा भी कर सकते हैं, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं एक बच्चा हूँ उनके सामने, है ना, तो लेकिन जो हकीकत है, हकीकत बोलते हैं इंकशाफ हकीकत भी कोई चीज़ होती है, हकीकत को मानना चाहिए इंसान को। अभी जो सिनेरियो है, अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अभी जो यहाँ के लोगों की जनता की आवाज़ है, यहाँ के लोगों ने जो मन बना लिया है, इन लोगों का जो दुआ आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं जो जा रहा हूँ उससे ये लग रहा है कि ये लोग कहीं भी मतलब नहीं है कॉन्टेस्ट में, मेरे नहीं है, और क्या कहते हैं कि हमको जिस तरह लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला तो मुझे लगता ही नहीं है, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि इस विधानसभा से यहां के लोग इस मर्तबा इस्लामपुर की एक नई शुरुआत करने के लिए, इस्लामपुर को बदलने के लिए, इस्लामपुर को एक नया रूप देने के लिए, इस्लामपुर की उन इस्लामपुर विधानसभा के उन मजदूर बच्चों की आवाज़ बनने के लिए जो बम्बई दिल्ली हरियाणा पंजाब में जाके मजदूरी करते हैं, हजारों तरह की मजबूरियाँ और परेशानियाँ उठाते हैं, उन बच्चों को मैं रोजगार से जोड़ने के लिए जो मैंने प्लानिंग किया है वो जब मैं काम करूंगा लोग देखेंगे, और मैं जो है ये इस्लामपुर विधानसभा को एक नया रूप, एक नया नाम, एक नई परिचय, एक नया नई शान देने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। मुझे दौलत शोहरत इज्जत से भाई कोई मतलब नहीं है, मैं एकदम सादा सीधा आदमी हूँ, कभी भी मुझे किसी चीज़ का कोई शौक नहीं है, मुझे अमीर बनने का शौक नहीं है, मुझे दौलत कमाने का शौक नहीं है, मुझे शोहरत कमाने का शौक नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाले अल्लाह के अता से ये सारी चीज़ राजनीति में आने से पहले डॉक्टर सादिक का जितना नाम है उतना कि आपके बीजेपी के प्रार्थी को डिस्ट्रिक्ट में उतनी परिचय उतना रिस्पेक्ट नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हम यहाँ पर 200 से ज्यादा सीट ला रहे हैं बंगाल के अंदर में और सरकार हमारी बन रही है, उनकी तो हर जगह सीट आ रही थी, समझे, मध्य प्रदेश में भी बहुत सीट आ रही थी उनकी, राजस्थान में भी बहुत सीट आ रही थी, आपका छत्तीसगढ़ में भी बहुत सीटें आ रही थी, झारखंड में भी बहुत सीटें आ रही थी, उसकी सीटें कहीं नहीं आती है, वो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। अमित शाह जो है वो एक वो क्या कहते हैं कि जोड़ तोड़ वाली उसको नेता बनाया है, वो जाके खरीदो फरोख्त करते हैं, और खरीदो फरोख्त करने के बाद दूसरी पार्टी के एमएलएस को बहका करके वो लोग सरकार है, मणिपुर में 2 सीटें वहां तुमने चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो ये जनता को सब पता चल चुका है, इन लोग का जो चरित्र है, इनको जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है, ये कहीं ईवीएम का खेल करते हैं, कहीं एमएलए के खरीदो फरोख्त का खेल करते हैं, कहीं दंगा फसाद कराते हैं, तो ये बीजेपी की बात तो मत कीजिए, ये बीजेपी हमारे देश को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं, देश को खत्म करने के दायरे पे ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं तमाम हिंदू भाइयों से मुसलमान भाइयों से बोलता हूं कि ये बीजेपी और ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी पर ये लोग काम ना करें। ममता बनर्जी मुसलमान मुसलमान तो करती है, मुसलमानों के लिए अभी तक तो कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला था 10,000 मदरसे देंगे, अगर 10,000 मदरसे देते तो कम से कम 50,000 या 1,00,000 उलमा और की नौकरियां हो जाती उन मदारिस में सरकारी नौकरी, ये इमाम भत्ता देती है, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ मुसलमानों से, उलमा से, आलिमान हमारे उलमा किराम से, मौलानाओं से, तमाम जो दीनी इदारे में जुड़े हुए हैं, जो मुअज्जिन है, जो इमाम है, उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये ममता बनर्जी अपने घर से या अपने सरकार से पैसा नहीं देती है, जो इमाम भत्ता है ये हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी है, जाके आप गूगल में सर्च कर लो, किसी से पूछ लो, वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वक्फ की प्रॉपर्टी ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये हिंदू मुसलमान सब जानते हैं, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वही चीज वो 2,500 करके देती है, तो ये भीख की तरह देती है, इन उलमा को भीख देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन उलमाओं को वो जो 10,000 मदरसा देने का वादा की थी कि 10,000 मदरसे को मैं एस्टेब्लिश कराऊंगी, वो 10,000 मदरसा बनवाने के बाद उन मदरसों में इन उलमा को जो इमाम भत्ता दे रहे हैं, इन उलमा को वहां टीचर होता
होता तो ये सारे टीचर 25,000, 30,000, 40,000 सैलरी उठाते तो इनकी इन उलमाओं की जो फैमिली है वो एक स्टैंडर्ड फैमिली होती, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता और उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते, उनको बच्चों को अच्छा स्कूल दे सकते थे। ये 2500 रुपया तो इंसान पान खा के और क्या कहते हैं कि वो क्या चाय पी करके सुबह से शाम तक थूक देता है आदमी, तो ये 2500 रुपया देती है, वो भी वकफ की प्रॉपर्टी है। वकफ की प्रॉपर्टी बार बार बोलता हूँ, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ममता बनर्जी की या उसकी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं उन उलमाओं से भी कहना चाहता हूँ, ये जो लॉलीपॉप दे रहा है, आप लोग भी प्रोटेस्ट करो कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इन उलमाओं को भी ये समझने की जरूरत है। ये अगर सोचते हैं कि हमें 2500 रुपया दिया जा रहा है तो ये ममता बनर्जी एहसान कर रही है, एहसान नहीं कर रही है, बल्कि ममता बनर्जी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी से दूसरे अपने पॉलिटिकल एजेंडा में अपने पब्लिसिटी में काम में लगाती है। इसलिए ये सारी चीज समझने की जरूरत है और इस्लामपुर को एक बदलने की जरूरत है, एक नई रोशनी, नई दिशा, नई दशा, नए डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। यहाँ इस्लामपुर के माहौल को खराब कर चुका गया है 50 सालों से, यहाँ किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ किसी तरह के स्वास्थ्य के लिए कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, यहाँ एम्बुलेंस का कोई बंदोबस्त नहीं है, पेशेंट हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है, यहाँ हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी है कि औरतें जमीन पर बच्चा पैदा करती है। तो ऐसे चीजों को बदलने के लिए और संयुक्त मोर्चा को सपोर्ट करना चाहिए यहाँ के लोगों को। मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ के लोग मुझे पहचाने और मैं इंसानियत के लिए बना हूँ, इंसानियत के हमदर्दी के लिए बना हूँ, इंसान के लोगों के पास खड़े होने के लिए बना हूँ, मैं लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए आया हूँ, लोगों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, लोगों के बच्चों को एक नई जिंदगी देने के लिए आया हूँ। अगर इस बार ये लोग नहीं समझे तो फिर क्या कहते हैं इस इस्लामपुर विधानसभा का मतलब ये लोग भला नहीं कर सकते, क्योंकि 50 साल में जब ये भला नहीं कर सके तो 5 साल में क्या भला करेंगे। इसलिए मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगा कि वो 5 साल मुझे दे, 50 साल उनको दिया, 5 साल मुझे दे और 5 साल के बाद मुझे पाई पाई हिसाब ले ले कि मैंने क्या भला किया इस्लामपुर विधानसभा का। बहुत बहुत धन्यवाद सादिकुल साहब। दोस्तों हमारे साथ अभी बात कर रहे थे सादिकुल इस्लाम साहब, काफ़ी कद्दावर नेता है, इनका जो इनकलाब फाउंडेशन भी चलता है और अभी ये इनको संयुक्त मोर्चा की तरफ से इन्हें सीट मिला है, काफ़ी इनका नाम है इस इलाके में। दोस्तों आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, आप तक मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद शफीक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।